हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्टेक्स लर्निंग पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेंट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए एक प्यारे से क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बोला गया है फाइंड द क्वाड्रेंट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए है 4, -3 एंड बी पॉइंट दिया गया है 9, 7 इन द रेशियो 3:2। तो ध्यान से समझिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मैं बता रहा हूं आपको। एक लाइन सेगमेंट है, ध्यान से देखिए, एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, मतलब एक लाइन सेगमेंट क्या है ए बी, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है 4, -3 और बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 9, 7। बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है 9, 7। बोला गया है एक पॉइंट है, कोई पॉइंट है, मान लीजिए मैंने मान लिया एक पॉइंट पी है, जो इस लाइन सेगमेंट को 3:2 में क्या करता है, डिवाइड करता है। किसमें? 3:2 में। मान लीजिए एक पॉइंट पी है, पी एक्स कॉमा वाई क्या कर रहा है 3:2 में डिवाइड कर रहा है। तो हमें यह बताना है कि जो ये पी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी पी एक्स कॉमा वाई की वैल्यू निकालनी है। आ रही बात समझ? मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। तो देखिए ये सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है, तो मैं आपको पहले फॉर्मूला बता चुका हूँ। सेक्शन फॉर्मूला में एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला में बता दो एक्स की वैल्यू क्या होती है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। इससे हम क्या निकालते हैं, एक्स का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। फिर वाई निकालना, वाई कैसे निकालते हैं, वाई इक्वल टू होता है एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब देखिए मैं इसको एक्स वन मान लू, ये क्या है, ये एक्स वन है, ये क्या है, ये वाई वन है, ये क्या है एक्स टू है, और ये क्या है वाई टू है, और ये क्या है एम है, और ये क्या है एन है। 3:2 जो दिया गया है उससे हमने क्या मान लिया एम और एन मान लिया। अब क्या करें, सारी डाटा दिए गए हैं, हम उसको क्या करें फॉर्मूले पे रख दें। तो एक्स की वैल्यू निकालना है, तो एक्स इक्वल टू एम क्या है, एम दिया गया है 3 इंटू एक्स टू कितना है, एक्स टू है 9 करते हैं हमने। उसके बाद क्या है प्लस एन कितना है, एन एन है 2 और एक्स वन कितना है 4 यानी 4 कर दिया अपॉन एम प्लस एन यानी एम कितना है 3+2 ये चीज हो गई। अब सेम वाई के लिए, वाई इक्वल टू एम कितना है 3 है, तो एम के जगह हमने 3 रख दिया। वाई टू कितना है 7 × 7 फिर प्लस प्लस लगा दिया, एन कितना है 2 है, 2 रख दिया इंटू वाई वन कितना है माइनस का 3 है, क्या है माइनस का 3 ब्रैकेट में कर दिया हमने अपॉन 3+2 क्योंकि एम की वैल्यू 3 है और एन की वैल्यू 2 है। इतना समझ आ रहा है? अब चलते हैं आगे। देखिए तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 × 3 = 27 प्लस 4 × 2 = 8 अपॉन 5। वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 × 3 = 21 देखिए प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -2 × 3 = 6 अपॉन 5। यहां तक बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से देखिए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो 27 + 8 कितना हो जाएगा 35 अपॉन 5। अब यहां से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई इक्वल टू हो जाएगा 21 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 अपॉन 5। देखिए यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5, 7 टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 7 और यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 3 यानी जो पॉइंट AB लाइन सेगमेंट को 3:2 में डिवाइड कर रहा था उसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया 7, 3 यानी P x, y क्या हो जाएगा 7, 3 यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7, 3 और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।